दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको फोन कैमरे के हिडन ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूं, जिसको आप यूज करके आप अपने फोन के कैमरे से बिल्कुल डीएसएलआर की तरह फोटो खींच सकते हो, वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों आप में से काफी सारे लोगों ने कमेंट किया था, बोला था कि हम अपने फोन के कैमरे से अच्छा फोटो नहीं खींच पाते, अच्छा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाते। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि लगभग 90% लोग अपने फोन के कैमरे में सेटिंग नहीं करते, फीचर्स को यूज नहीं करते, ट्रिक्स को यूज नहीं करते, इसलिए वो अपने फोन के कैमरे से अच्छा फोटो नहीं खींच पाते, अच्छा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाते। और दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप इन सभी ट्रिक्स और फीचर्स के बारे में जान लोगे, आप अपने फोन के कैमरे से बिल्कुल डीएसएलआर की तरह फोटो खींच पाओगे, वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। आप खुद ही बोलोगे कि यार काश इसके बारे में पहले पता होता। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जरूरी है, वीडियो को पूरा जरूर देखना। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब चलिए मैं आपको फोन कैमरे के इंपॉर्टेंट सेटिंग्स और फीचर्स के बारे में बताता हूं, ठीक है। आपको कैमरा को ओपन करना है। जब आप कैमरा को ओपन करोगे आपको यहां पर काफी सारे सेटिंग्स मिलेंगे, काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। दोस्तों आप लोग अपने फोन से सेल्फी लेते होंगे, ओके। आप अगर अच्छा सेल्फी लेना चाहते हो तो दोस्तों आपको एक सेटिंग करना है। आपको यहां पर AI रीटचिंग का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आपको इस पर टैप करना है। आपको AI रीटचिंग को हमेशा 100% पर सेट करके रखना है, ठीक है। जब आप 100% पर सेट करके रखोगे दोस्तों आपकी जो सेल्फी है वो शार्प आएगी, ठीक है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो दोस्तों इसलिए आपको AI रीटचिंग को हमेशा 100% पर सेट करके रखना है, ठीक है। इस तरह 100% पर सेट करके रखना है। इसके बाद दोस्तों अब जो हमारा दूसरा ट्रिक है, दूसरा फीचर, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप अपने फ़ोन के कैमरे से ही किसी भी चीज़ के बारे में पता कर सकते हो, ठीक है। मान लो कि कोई सामान है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, ठीक है, जिसके बारे में आपको पता नहीं, आप अपने फ़ोन के कैमरे से उस चीज़ के बारे में पता कर सकते हो। जैसे मान लो कि ये रिमोट है, ठीक है, हमें इसके बारे में नहीं पता है कि ये किस चीज़ का रिमोट है, ये कहाँ पर मिलता है, कितने का मिलता है। आप अपने फ़ोन के कैमरे से इसके बारे में पता कर सकते हो। कैसे? आपको यहाँ पर एक फीचर मिलेगा गूगल लेंस का, ठीक है। आपको इस पर टैप करना है, ओके। अब आपको फ़ोटो खींचना है, ठीक है, आपको इस तरह फ़ोटो खींचना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। आपको यहाँ पर पूरा डिटेल मिल जाएगा कि आखिर ये कौन सा सामान है, कहाँ पर मिलता है, कितने का मिलता है, कहाँ पर यूज होता है, सब कुछ आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। आप देख सकते हो इससे रिलेटेड काफ़ी सारे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह आप फोन कैमरे से किसी भी चीज़ के बारे में पता कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का फोटो खींचकर उसके बारे में सर्च कर सकते हो, ओके। तो दोस्तों ये जो गूगल लेंस का फीचर है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, ये सभी के फ़ोन में होता है, चाहे आप किसी भी कंपनी का फ़ोन यूज करते हो। कैमरा को ओपन करोगे आपको यहाँ पर गूगल लेंस का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब जो हमारा थर्ड फीचर है, थर्ड सेटिंग है, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। आपको हमेशा HDR मोड को ऑन करके रखना है, ठीक है। आपको HDR मोड को ऑन करके रखना है। अगर आप HD क्वालिटी में फ़ोटो खींचना चाहते हो, अच्छे क्वालिटी में फ़ोटो कैप्चर करना चाहते हो, तो दोस्तों आपको हमेशा HDR मोड को ऑन करके रखना है, ठीक है। अब दोस्तों अगला जो ट्रिक है, हमारा जो चौथा ट्रिक है, ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हम किसी मोमेंट का फ़ोटो कैप्चर करते हैं, मान लो कि ये जो रिमोट है इसको हम हवा में उछालते हैं, ठीक है, और हवा में ही हमें फ़ोटो कैप्चर करने, तो दोस्तों काफ़ी लेट हो जाता है, हम मोमेंट को कैप्चर नहीं कर पाते। तो दोस्तों इसके लिए आप एक ट्रिक यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पर लॉन्ग टैप करना है इस तरह, ठीक है। जब आप इस पर लॉन्ग टैप करोगे आप एक सेकंड के अंदर 20 फोटो कैप्चर कर सकते हो, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का 20 फोटो आप एक सेकंड के अंदर कैप्चर कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों अगर आप इस तरह टैप करोगे आप मोमेंट को कैप्चर नहीं कर पाओगे, जब आप लॉन्ग टैप करोगे इस तरह, ठीक है। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो 20 फोटो कैप्चर हो गया है, ओके। आपको यहां पर टैप करना है और आपको देखना है कि कौन सा फोटो सही कैप्चर हुआ, कौन से फोटो में मोमेंट कैप्चर हुआ, ठीक है, उसको आपको सेव करना है, बाकी को डिलीट कर देना है। तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा ट्रिक है किसी भी मोमेंट को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको सेटिंग को ओपन करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा वॉल्यूम बटन एक्शन, ठीक है। वॉल्यूम बटन से भी आप अपने फ़ोन के कैमरे को ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। आपको इस पर टैप करना है।
दोस्तों आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। अगर आप वॉल्यूम पर टिक कर दोगे, आपके वॉल्यूम बटन से वॉल्यूम अप डाउन होगा। अगर दोस्तों आप शटर पर टिक करोगे, ठीक है, आप अपने वॉल्यूम बटन से ही फोटो कैप्चर कर सकते हो। आप वॉल्यूम बटन को प्रेस करोगे, फोटो क्लिक हो जाएगा। अगर आप जूम पर टैप कर दोगे, ठीक है, तो दोस्तों आप वॉल्यूम बटन से जूम इन कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को जूम कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह आप कैमरे को वॉल्यूम बटन से ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब जो हमारा अगला फीचर है, अगला सेटिंग है, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हम टी शर्ट पहनते हैं, ठीक है, टी शर्ट पर टेक्स्ट लिखा होता है। जब हम कोई सेल्फी लेते हैं, जब हम अपना कोई सेल्फी लेते हैं, तो दोस्तों होता क्या है कि जो हमारा टेक्स्ट होता है वो उल्टा शो होता है, ठीक है। आप देख सकते हो ये जो टेक्स्ट है ये हमें उल्टा शो हो रहा है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हमारे टी शर्ट पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक सेटिंग कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग ये सेटिंग नहीं करते हैं, और होता क्या है कि जब वो अपने फ़ोन के कैमरे से सेल्फी लेते हैं तो टेक्स्ट वगैरह उल्टा दिखता है, ठीक है। आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, ओके। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एडवांस सेटिंग, आपको इस पर टैप करना है। यहाँ पर आपको मिलेगा फ्लिप सेल्फी, जब आप इसको ऑन कर दोगे, ठीक है, और सेल्फी लोगे, अगर कोई टेक्स्ट होगा आपके टी शर्ट पर कुछ लिखा होगा, दोस्तों जो टेक्स्ट है वो आपको सीधा दिखेगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो अब वही टेक्स्ट सीधा दिख रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह आप फ्लिप सेल्फी फीचर को यूज कर सकते हो। अब दोस्तों अगला जो फीचर है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हम कहीं पर घूमने गए होते हैं, ठीक है, कहीं घूमने गए होते हैं, और कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद उस फोटो को देखते हैं, हमें याद नहीं आता कि आखिर इस फोटो को हमने कब कैप्चर किया था, कहां पर कैप्चर किया था। दोस्तों अब आप अपने फोटो पर लोकेशन को ऐड कर सकते हो। सिंपली आपको लोकेशन को ऑन कर देना है, इसको ऑन करना है, ऑन करके फोटो कैप्चर करना है, ठीक है। आपको लोकेशन को ऑन करना है, फिर आपको फोटो कैप्चर करना है, आपके फोटो पर लोकेशन ऐड हो जाएगा, ठीक है। आप जब भी फोटो को देखोगे, जब भी फोटो को देखोगे, फोटो पर लोकेशन दिखेगा। अभी लोकेशन ऐड नहीं हुआ है, कुछ टाइम लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा आप वेट करोगे, यहां पर लोकेशन शो हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ टाइम में दिखाता हूं कि लोकेशन कैसे ऐड होता है। अभी लोकेशन ऐड नहीं हो रहा है, हम फिर से कैप्चर करते हैं, अभी कुछ सेकंड टाइम लगेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला फीचर है, सेटिंग पर टैप करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा शूटिंग मेथड का, आपको इस पर टैप करना है। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि जब हम फोटो कैप्चर करते हैं, ठीक है, जब हम फोटो कैप्चर करते हैं, सेल्फी लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा फिंगर नहीं पहुँच पाता है, यहाँ पर हमारा फिंगर नहीं पहुँचता है, ठीक है। तो दोस्तों अब आप कहीं पर भी टैप करके, स्क्रीन पर कहीं भी टच करके सेल्फी कैप्चर कर सकते हो। आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा शूटिंग मेथड, आपको इस पर टैप करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टैप टू कैप्चर, इसको इनेबल कर रहे हैं, ठीक है। जब आप इसको इनेबल करोगे, आप स्क्रीन पर कहीं भी टैप करोगे, ठीक है, फोटो कैप्चर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आप टैप टू कैप्चर फीचर को इनेबल करके यूज कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो हमने जब फोटो कैप्चर किया था, लोकेशन ऐड हो गया है, फोटो पर लोकेशन शो हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह आप फोटो पर लोकेशन को ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह आप इन सभी फीचर्स को यूज करके, ट्रिक्स को यूज करके, आप अपने फ़ोन के कैमरे से अच्छा फोटो खींच सकते हो, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट सेटिंग है ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है यार। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हमारे फ़ोन के कैमरे में कुछ ऐसे सेटिंग्स ऑन हो जाते हैं, फीचर्स ऑन हो जाते हैं, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, और हमारा फोटो अच्छा नहीं आता है, फोटो खराब हो जाता है, वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। आपको यहाँ पर एक सेटिंग मिलेगा रिस्टोर डिफॉल्ट, आपको इस पर टैप करना है। दोस्तों आपकी जो सेटिंग्स हैं वो पहले की तरह हो जाएंगे, ठीक है, पहले की तरह आपके सारे सेटिंग्स हो जाएंगे, आप अपने फ़ोन के कैमरे से पहले की तरह फोटो खींच पाओगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।